हेलो हाय आदाब सत श्री अकाल, और एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अब्रम 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। आप सभी लोगों से कहने गुड मॉर्निंग माय डीवाई फैमिली, और आज दोबारा से लेकर आऊँगा आप लोगों के पास सुबह के ताज़ा तरीन समाचार, जिसमें हम लोग आप लोगों के पास लेकर आते हैं वो हेडलाइंस जो किसी भी क्षेत्र से हों लेकिन आप लोगों के पास लेटेस्ट हेडलाइंस होती हैं। ये सारी की सारी खबरें हम लोगों के पास आती है बीबीसी हिंदी के माध्यम से, हम उनका धन्यवाद करते हैं। दुबई अनलॉक्ड क्या है, जिस पड़ताल से विदेशी लोगों की प्रॉपर्टी का पता चला। भारत और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मंगलवार से अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता संगठन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की ओर से दुबई अनलॉक्ड शीर्षक से की गई पड़ताल की चर्चा हो रही है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि दुबई की 35,000 प्रॉपर्टी के मालिक 29,700 भारतीय नागरिक हैं। हालांकि ये पड़ताल ऐसा बिल्कुल नहीं कहती कि दुबई में खरीदी गई प्रॉपर्टी गैरकानूनी ढंग से खरीदी गई है। दुनिया के 70 से अधिक पत्रकारिता संस्थाओं और पत्रकारों ने मिलकर दुबई अनलॉक्ड नाम से एक खोजी रिपोर्ट की है। इस पड़ताल में संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट में पूंजी निवेश करने वाले कई नाम और उनसे जुड़ी हुई बातें सामने आई हैं। रिपोर्ट में विभिन्न देशों से संबंध रखने वाले ऐसे लोगों के नाम सामने लाए गए हैं जो दुबई में हजारों की संख्या में प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट के मालिक हैं। इनमें कथित तौर पर अपराधी और नेता भी शामिल हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वरिष्ठ राजनेता और सैन्य अधिकारियों के नाम जनहित में जारी किए गए हैं। इस रिपोर्ट में जहाँ कई नाम सार्वजनिक किए गए, वहीं इससे कई सवालों ने भी जन्म लिया है कि इनमें से कई महत्वपूर्ण सवाल ये हैं कि दुबई कैसे भारतीयों और पाकिस्तानियों समेत विदेशी लोगों के लिए प्रॉपर्टी में पूंजी निवेश की जन्नत बना। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि दुबई जैसे देश में प्रॉपर्टी खरीदना कितना आसान है और इसके लिए नियम कानून क्या है। इन सवालों के जवाब जानने से पहले ये देखते हैं कि दुबई अनलॉक्ड है क्या, दुबई अनलॉक्ड पड़ताल क्या है। दुबई अनलॉक्ड नाम की अंतर्राष्ट्रीय पड़ताल में संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में रियल एस्टेट क्षेत्र के विदेशी मालिकों के बारे में जानने की कोशिश की गई है। 6 मार्च तक जारी रही इस पड़ताल का नेतृत्व ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP ने किया, जिसमें दुनिया भर से मीडिया की 70 से अधिक संस्थाओं के पत्रकारों ने भाग लिया था। OCCRP के अनुसार इस पड़ताल में पता चला कि मध्य पूर्व के आर्थिक केंद्र में कौन कौन किस प्रॉपर्टी का असल मालिक है और कैसे इन शहर ने दुनिया भर के उन लोगों के लिए भी अपने दरवाजे खोले जिन पर कई आरोप लगाए जाते रहे हैं। OCCRP की वेबसाइट पर जारी सूचना के अनुसार ये जानकारी उस लीक होने वाले डेटा की मदद से तैयार की गई है जो दुबई लैंड डिपार्टमेंट और कई दूसरी सरकारी कंपनियों से मिला, और ये सन 2020 से सन 2022 के बीच का रिकॉर्ड है। ये भी बताया गया है कि डेटा सबसे पहले वॉशिंगटन DC स्थित सेंटर फॉर एडवांस्ड डिफेंस स्टडीज नाम के गैर सरकारी संगठन ने हासिल किया, जो बाद में OCCRP को दिया गया। OCCRP के अनुसार दुबई की हाउसिंग मार्केट में विदेशी लोग कुल मिलाकर $160 अरब मूल्य की प्रॉपर्टी रखते हैं। इस खोजी रिपोर्ट में OCCRP के मीडिया पार्टनर और पाकिस्तान समाचार पत्र डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 के लीक हुए डेटा से पता चलता है कि दुबई की 35,000 प्रॉपर्टी के मालिक 29,700 भारतीय नागरिक हैं। इस लिस्ट में भारतीय पहले नंबर पर है। पाकिस्तान नागरिकता रखने वाले सूची में दूसरे नंबर पर है। दुबई की 23,000 आवासीय प्रॉपर्टी का स्वामित्व 17,000 पाकिस्तानी नागरिकों के पास है। OCCRP के अनुसार पड़ताल में ऐसे केवल 200 लोगों पर ध्यान दिया गया है जिनका या तो आपराधिक रिकॉर्ड था या वो राजनीतिक लोग थे, लोगों पर जिन पर किसी तरह का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाया गया था। इन रिपोर्टों के अनुसार दूसरे पत्रकार ने केवल ऐसे लोगों की पहचान उजागर की जिनकी पहचान बताना जनहित में ज़रूरी था। रिपोर्ट में बहुत से मालिकों के नाम नहीं बताए गए हैं। पाकिस्तानी नेताओं का क्या कहना है? OCCRP के पाकिस्तान में एक और मीडिया पार्टनर द न्यूज़ इंटरनेशनल का कहना है कि पाकिस्तान से इस लिस्ट में राजनेताओं के अलावा एक दर्जन से अधिक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी और उनके परिवार वाले बैंकर और ब्यूरोक्रेट भी शामिल हैं। BBC इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान की कुछ राजनीतिक शख्सियतों की प्रतिक्रिया सामने आई है जिनका नाम इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। तहरीक इंसाफ के राष्ट्रीय असेंबली सदस्य अफजल मरवत ने दुबई में एक अपार्टमेंट का मालिक होने की बात स्वीकार करते हुए कहा है कि उन्होंने इस प्रॉपर्टी की पाकिस्तान की सभी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के साथ पिछले 6 सालों से रजिस्टर्ड और डिक्लेयर कर रखा है। उन्होंने कहा कि नियामक संस्थाओं में FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और पाकिस्तान चुनाव आयोग आदि शामिल हैं। उनके अनुसार इसकी पुष्टि FBR से भी की जा सकती है। मैंने 2018 के नामांकन पत्र में भी इसकी घोषणा की थी। दुबई अनलॉक्ड में पाकिस्तान के गृहमंत्री और सीनेटर मोहसिन नकवी का नाम भी शामिल है, जिनका कहना है 2017 में मेरी पत्नी के नाम पर खरीदी गई दुबई की प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न में पूरी तरह से दर्ज है। उनके अनुसार पंजाब के प्रभारी मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव आयोग में जमा कराए गए विवरण में भी इसे बताया गया था। ये प्रॉपर्टी 1 साल पहले बेच दी गई थी और हाल ही में उससे मिली रकम से एक नई प्रॉपर्टी खरीदी गई है।
सिंध के वरिष्ठ मंत्री शर्जील इनाम मेमन का भी कुछ ऐसा ही बयान है। उनका कहना है कि उनकी संपत्ति पाकिस्तान में टैक्स अधिकारियों और चुनाव आयोग के सामने पहले से ही घोषित है। वो कहते हैं कि हम हर साल संपत्ति और जायदाद की घोषणा में विवरण जमा करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, पहले से सब कुछ जनता की जानकारी में है। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तहरीक इंसाफ के पूर्व नेता शफकत महमूद ने सवाल उठाते हुए कहा कि दुबई में प्रॉपर्टी रखने वाले जिन लोगों का नाम सामने आया है वो कहते हैं कि ये घोषित संपत्ति है, लेकिन असल मामला FBR में ये प्रॉपर्टी घोषित करने या टैक्स की अदायगी का नहीं, बल्कि सबसे अहम सवाल ये है कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए और दुबई ट्रांसफ़र कैसे हुए। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने ऐसे ही सवाल उठाए, लेकिन पहले ये जानते हुए कि दुबई में ऐसी क्या बात है कि बहुत से पाकिस्तानी भारतीय और अफगान नागरिकों ने वहाँ पूंजी निवेश की है। दुबई दक्षिणी एशियाई लोगों के लिए पूंजी निवेश का आकर्षक केंद्र क्यों है? दुबई अनलॉकड में भारत समेत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान तक के लोगों के नाम शामिल हैं। ऐसे में यह सवाल अपनी जगह महत्वपूर्ण है कि दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट में पूंजी निवेश इतना आकर्षक क्यों है? पाकिस्तान और विदेशी रियल एस्टेट के क्षेत्र में पूंजी निवेश के इच्छुक लोगों के साथ काम करने वाली एक कंपनी एजेंसी 21 के डायरेक्टर शर्जील अहमद ने BBC से बात करते हुए कहा कि दुबई बहुत सी वजहों से एक आकर्षक मंजिल है, जिनमें से पहली बात आर्थिक मजबूती है। दुबई अपनी मजबूत और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था की वजह से जाना जाता है और इसलिए निवेशक यहाँ का रुख करते हैं, लेकिन यह अकेली वजह नहीं है। शर्जील का कहना है कि दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने वालों को टैक्स फ्री माहौल दिया गया है, जो उसे एक आकर्षण केंद्र बनाता है। दुबई में प्रॉपर्टी के किराए भी काफ़ी अधिक हैं और इससे पूंजी निवेशकों को एक अच्छा लाभ मिलता रहता है। शर्जील के अनुसार दुबई एक महत्वपूर्ण कारोबारी और भ्रमण केंद्र भी बन चुका है। ये विकास के साथ साथ प्रॉपर्टी की मांग और किराए में लगातार इजाफा हो रहा है। यहाँ रियल एस्टेट में विभिन्न तरीके की प्रॉपर्टी है, इनमें अपार्टमेंट और विला से लेकर कॉमर्शियल दुकानें तक शामिल हैं, जो दक्षिण एशिया के पूंजी निवेशकों को आकर्षित करती है। वो कहते हैं कि इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन व्यवस्था और सार्वजनिक सुविधाएं किसी भी पूंजी निवेशक के लिए ऐसा आकर्षण है जिनकी वजह से वो दुबई में पूंजी निवेश करना चाहेंगे। दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना कितना आसान है? शर्जील अहमद ने जो कारण बताए हैं वो अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन दुबई में काम करने वाले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने BBC से नाम न बताने की शर्त पर कहा कि दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट में पूंजी निवेश की सबसे बड़ी वजह यहाँ के नियम कानून है। उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले तक किसी के लिए भी एक बैग में कैश लाकर किसी बिना किसी सवाल जवाब के दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना संभव था और अधिकतर लोगों ने इसे इसी दौरान दुबई में पूंजी निवेश किया था। वो कहते हैं कि दुबई के विकास का एक राज ये भी है कि यहाँ किसी से सवाल नहीं किया जाता था कि वो पैसा जो यहाँ लगाया जा रहा है वो कैसे और किन जरियों से आया। ये पूंजी निवेश करना और पैसा लाना स्विट्जरलैंड से भी आसान था। उनके अनुसार इन अस्पष्ट नियम कानून की वजह से ही FATF ने 2022 में दुबई को ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया था और इस साल मार्च में दुबई इस लिस्ट से निकलने में कामयाब हुआ। उन्होंने बताया अब नियमों में बदलाव हो चुका है और बैंकिंग के जरिए ही पैसा लाया जा सकता है, जिसकी वजह से अब ये सब इतना आसान नहीं रहा। लेकिन उनका कहना है कि कुल मिलाकर दुबई में बैंक अब भी किसी से ये नहीं पूछते कि वो पैसे कहाँ से और कैसे कमा कर ला रहे हैं जब तक वो बैंकिंग चैनल से आ रहे हों। दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए नियम कानून क्या है? शर्जील अहमद का कहना है कि कोई भी विदेशी चाहे उसका संबंध पाकिस्तान से हो या भारत से दुबई में प्रॉपर्टी खरीद सकता है, लेकिन कुछ नियम कानून का ध्यान रखना होता है। पहली बात यह है कि दुबई में कानूनी ढंग से दाखिल होने के लिए वीज़ा और पासपोर्ट हो। दूसरी बात यह है कि खरीदार आमदनी या आर्थिक मजबूती का सबूत दिखाए कि वो इस सौदे की क्षमता रखता है। शर्जील अहमद के अनुसार प्रॉपर्टी खरीदने के इच्छुक लोगों को दुबई लैंड डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC भी लेना पड़ सकता है। खरीदार को बैंक में पैसा जमा करवाना होता है और फिर ज़रूरी कागजात देने होते हैं जिनमें बिक्री का समझौता शामिल है। शर्जील कहते हैं कि बेहतर होता कि खरीदारी ये सब काम किसी ऐसे वकील या एजेंट की मदद से करे जो दुबई में प्रॉपर्टी की खरीदारी के काम और उससे जुड़े नियम कानून पूरी तरह से परिचित होते हैं, ताकि किसी पेचीदगी से बचा जा सके। ये सारी की सारी खबरें थी आप लोगों के पास 90.4 MHz कम्युनिटी रेडियो पर। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।